नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसमें हम ये स्टडी करेंगे कि अगर कोई भी न्यूक्लियस मान लो टूटता है या दो हल्के न्यूक्लियस कंबाइन होते हैं तो उसकी जो रिएक्शन है उसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। तो वो जो रिएक्शन है उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि ये यूरेनियम न्यूक्लियस है, ये क्या है यूरेनियम न्यूक्लियस, और इसके ऊपर हम न्यूट्रॉन की बॉम्बिंग कर रहे हैं। न्यूट्रॉन इससे जाके टकराएगा, यहाँ पे एक यूरेनियम न्यूक्लियस है और इससे एक न्यूट्रॉन जाके टकरा रहा है। तो जैसे ये टकराएगा इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इसका एटॉमिक मास 1 से इंक्रीज हो जाएगा। देखो पहले कितना था एटॉमिक मास, 235, अब कितना हो गया 236। ठीक है, एटॉमिक नंबर वही रहेगा, बस एटॉमिक मास 1 से इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद में ये अनस्टेबल रहेगा, ये वाला जो न्यूक्लियस है ये अनस्टेबल है। तो इसको मैं एक स्टार का सिंबल लगा के रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। स्टार का सिंबल ये शो कर रहा है कि ये न्यूक्लियस अभी अनस्टेबल है। तो ये क्या करेगा, ये स्टेबिलिटी में आने के लिए यहाँ पे टूट जाएगा, दो टुकड़ों में टूट जाएगा। एक टुकड़ा है इसका बेरियम और दूसरा टुकड़ा है यहाँ पे क्रिप्टॉन। ठीक है, और तीन साथ में नए न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो ये जो रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, अगर मैं इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। अब इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखना है इसको वो देखो। सबसे पहले यूरेनियम 235, यूरेनियम 92, 235, इसके ऊपर कौन जाके टकरा रहा है न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन के निकलने से आने से जो एटॉमिक मास है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, एटॉमिक नंबर पे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको लिखा जाएगा प्लस एक न्यूट्रॉन, और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये यूरेनियम के अंदर न्यूट्रॉन एंटर करेगा तो ये क्या बन जाएगा, यूरेनियम 236 बन जाएगा, यूरेनियम 92 236 बन गया। अब ये वाला जो न्यूक्लियस ही अनस्टेबल है तो इसके ऊपर एक स्टार का सिंबल लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये किस पे टूट गया, ये टूट गया बेरियम 56 144 और किस में क्रिप्टॉन के अंदर, जो कि 36 89। ठीक है, और साथ में तीन नए न्यूट्रॉन मिले हमको। तो ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है बस इसी का नाम क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, इसको न्यूक्लियर रिएक्शन बोलेंगे। तो इस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखा रखे हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस के, और इनका नाम आपको पूछा जाता है कि ये कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, तो इनका नाम कैसे रखा जाएगा वो समझो। जैसे यहाँ पे लिथियम के साथ में एक प्रोटोन जाके कंबाइन हो रहा है तो ये बन रहा है पहले बेरिलियम, और उसके बाद में ये यहाँ पे अनस्टेबल है। देखो स्टार का सिंबल लगा हुआ है जो ये शो कर रहा है कि ये अनस्टेबल है। तो ये दो अल्फा पार्टिकल्स में या दो हीलियम न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा पार्टिकल आके लिथियम के साथ में कंबाइन हो रहा है, प्रोटोन, 1H1 मतलब प्रोटोन है ये। और क्या पार्टिकल यहाँ से निकल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल यहाँ पे निकल रहे हैं, इससे मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसमें क्या है, अल्फा पार्टिकल्स। तो इस रिएक्शन का नाम रखा जाएगा पी अल्फा रिएक्शन। पी मतलब प्रोटोन के लिए है, प्रोटोन आया था और लास्ट में कौन निकला, अल्फा पार्टिकल, तो इसका नाम रखा जाएगा पी अल्फा रिएक्शन। इसी तरीके से जो सेकेंड रिएक्शन, इसको देखो यहाँ पे क्या है, बोरॉन इसके साथ में एक प्रोटॉन कंबाइन हुआ तो ये बन गया कार्बन, स्टार लगा हुआ, इसका मतलब अनस्टेबल। स्टेबिलिटी में आने के लिए ये एक यहाँ पे न्यूट्रॉन को बाहर निकाल देगा। ठीक है, यहाँ पे एक न्यूट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो ये कार्बन 11 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये थोड़ा करेक्शन कर लो, क्योंकि 11+1 यानी दोनों साइड में जो एटोमिक मास है और एटोमिक नंबर है वो बराबर होनी चाहिए, है ना, वो बैलेंस करने होते हैं इसमें। जैसे केमिकल रिएक्शन में आप बैलेंस करते हो ना, दोनों साइड में आप एटम्स को बैलेंस करते हो, इस न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर उसी तरीके से क्या बैलेंस किया जाएगा, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को दोनों साइड में बराबर रखा जाएगा। तो कार्बन 11 और एक न्यूट्रॉन बाहर निकल गया तो इस तरीके से ये फाइनल प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे प्रोटॉन आया था और लास्ट में कौन निकला, न्यूट्रॉन, तो इस रिएक्शन का नाम रखा जाएगा पी एन रिएक्शन। पी मतलब प्रोटॉन, एम एन मतलब न्यूट्रॉन, तो पीएन रिएक्शन इसका नाम रख दिया। इसी तरीके से ये कार्बन 12 है, इसके साथ एक प्रोटॉन कंबाइन हो गया तो इससे पहले बना नाइट्रोजन 13। अब ये अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी में आने के लिए कुछ एनर्जी रिलीज होगी। देखो ये गामा पार्टिकल है ना, ये शो कर रहा है कि ये एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी रिलीज करेगा तो ये स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। तो ये वाली जो रिएक्शन, इसका नाम क्या रखेंगे, तो यहाँ पे कौन आया था, प्रोटॉन आया था और लास्ट में कौन निकला, गामा पार्टिकल, तो इसका नाम रख दो पी गामा रिएक्शन, है ना, इस तरीके से इसका नाम रखना है। मतलब एक चीज आप नोटिस कर रहे हो कि जो पार्टिकल आ रहा है उसका नाम पहले है और जो निकल रहा है उसका नाम बाद में है, बस उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन का नाम रखा जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस है, इसके ऊपर गामा पार्टिकल की बॉम्बरिंग करी तो इससे एक प्रोटोन और एक न्यूट्रॉन मिला हमको, 1H1 मतलब प्रोटोन है और ये 0N1 है, ये क्या है, न्यूट्रॉन। तो
कौन आया था, गामा पार्टिकल आया जिससे ये न्यूक्लियस टूट गया, तो इसको हम बोलेंगे फोटो डिसइंटीग्रेशन। अगर कोई भी न्यूक्लियस टूट रहा है फोटोन के आने से, यानी गामा पार्टिकल एक तरह से फोटोन ही होता है, तो वो जाके अगर टकरा रहा है किसी न्यूक्लियस से और वो टूट रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको फोटो डिसइंटीग्रेशन बोला जाएगा। डिसइंटीग्रेशन का मतलब है टूटना, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। आया क्या समझ में? ये जो रिएक्शन मैंने लिखे ना, इस तरीके से इसको लिखा जाता है, ये लिखने का तरीका है। इसके बाद में नेक्स्ट है फिर न्यूक्लियर फिजन। देखो न्यूक्लियर फिजन का मतलब है किसी हैवी न्यूक्लियस का टूटना। किसी हैवी न्यूक्लियस के टूटने की जो प्रोसेस है उसी का नाम क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन। फिजन का मतलब है टूटना एक तरह से। यहां पे आप देख रहे हो कि मैंने एक रिएक्शन दिखा रखी है, यहां पे ये जो यूरेनियम न्यूक्लियस है इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बॉम्बिंग की जा रही है। न्यूट्रॉन के टकराने से पहले तो न्यूट्रॉन इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ये यूरेनियम 236 बन गया। पहले क्या था, यूरेनियम 235 था, अब ये क्या बन गया, यूरेनियम 236 बन गया, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन एंटर कर गया। लेकिन ये अनस्टेबल है, इसलिए ये दो अलग अलग पार्ट्स में टूट जाएगा, एक होगा बेरियम और एक होगा क्रिप्टॉन, ठीक है। तो ये जो इसके टुकड़े हैं, साथ में तीन न्यूट्रॉन भी मिलेंगे, तो ये जो रिएक्शन है इसमें आप देख रहे हो कि एक हैवी न्यूक्लियस टूट रहा है दो हल्के न्यूक्लियस के अंदर, तो इस रिएक्शन का नाम क्या रखा जाएगा, न्यूक्लियर फिजन। इसका नाम है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन में हमेशा क्या होगा, एक हैवी न्यूक्लियस हमेशा टूटेगा दो हल्के न्यूक्लियस में, दो से ज्यादा न्यूक्लियस में भी टूट सकता है, वो डिपेंड करेगा रिएक्शन के ऊपर। तो हेवी न्यूक्लियस के टूटने के इस प्रोसेस में क्या होता है, कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है साथ में, तो यहाँ पे मैं उसको क्यू से डिनोट कर रहा हूँ। क्यू का मतलब है वो एनर्जी जो इस रिएक्शन में रिलीज होगी, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर फिजन का एक एग्जांपल हो गया। न्यूक्लियर फिजन का मतलब हैवी न्यूक्लियस का टूट के छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होना, ठीक है। अगला टॉपिक है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का मतलब है कि अगर कोई भी रिएक्शन बार बार रिपीट होती जा रही है, कोई भी रिएक्शन है, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन है, वो अपने आप ही बार बार रिपीट होती जा रही है, अपने आप ही होती जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे यूरेनियम न्यूक्लियस है, इसके ऊपर न्यूट्रॉन आके टकराता है। न्यूट्रॉन के टकराने से पहले तो बन गया यूरेनियम 236, फिर कुछ एनर्जी रिलीज होगी, तीन न्यूट्रॉन निकलेंगे और ये टूट जाएगा दो टुकड़ों में, जो कि होंगे बेरियम और क्रिप्टॉन। फिर ये जो तीन नए न्यूट्रॉन बनेंगे, ये वापस से किसी यूरेनियम न्यूक्लियस को तोड़ सकते हैं, जैसे इस यूरेनियम न्यूक्लियस को तोड़ा था न्यूट्रॉन ने, उसी तरीके से ये तीन न्यूट्रॉन भी आगे जाके क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे और भी यूरेनियम न्यूक्लियस है तो उनको तोड़ सकते हैं। तो ये रिएक्शन अपने आप ही बार बार होती रहेगी, इसमें आपको अलग से कुछ करवाना नहीं है। तो ये अपने आप ही अगर रिएक्शन हो रही है तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन का मतलब क्या है, बार बार रिएक्शन अपने आप ही रिपीट होती रहेगी। यहाँ पे ये जो न्यूट्रॉन है, सपोज करो ये जाके टकराता है इस यूरेनियम 235 से, तो ये वापस यूरेनियम 236 में कन्वर्ट होगा पहले तो, और उसके बाद में इसके दो टुकड़े हो जाएंगे बेरियम और क्रिप्टॉन, साथ में तीन नए न्यूट्रॉन निकलेंगे। और ये वाला जो न्यूट्रॉन है, सपोज करो ये इससे जाके टकराता है, तो वापस से इस यूरेनियम 235 का पहले तो क्या होगा, यूरेनियम 236 बनेगा, और उसके बाद में इसके जो दो टुकड़े होंगे बेरियम और क्रिप्टॉन, उसके साथ में तीन नए न्यूट्रॉन बनेंगे। ऐसे ये वाला न्यूट्रॉन भी किसी यूरेनियम न्यूक्लियस से जाके टकराएगा। तो ऐसे हर एक जो यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन होगा उसके अंदर आप क्या देखोगे कि तीन तीन नए न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ये आगे जाके और यूरेनियम न्यूक्लियस को तोड़ सकते हैं। तो ये अपने आप ही जो रिएक्शन है ये रिपीट होती रहेगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बोलेंगे। अगर ये अनकंट्रोल्ड मैनर में होगी तो एक तरह से एक्सप्लोजन टाइप से आपको दिखाई देगा, क्योंकि एकदम से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी जैसे एक्सप्लोजन में होती है। तो अगर इस रिएक्शन को हमने कंट्रोल नहीं किया तो ये एक एक्सप्लोजन की फॉर्म में आपको दिखेगी, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब और जो ये एटॉमिक बॉम्ब होते हैं ना, उनका यही कॉन्सेप्ट होता है। न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के ऊपर ही वो बेस्ट होते हैं। एटॉमिक बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब, ये दोनों ही किसके ऊपर बेस्ट हैं, न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन, है ना। चेन रिएक्शन ही होती है उसके अंदर, ये बार बार रिएक्शन होती है और अनकंट्रोल्ड तरीके से होती है, तो एकदम से इतनी एनर्जी निकलती है जो कि एक्सप्लोजन की फॉर्म में होती है। अगर इसी रिएक्शन को आप कंट्रोल मैनर में करवा लो, कैसे, जो यहाँ पे नए न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे तीन न्यूट्रॉन निकले थे यहाँ पे, उसमें से दो को रिएक्शन से हटा दो, किसी तरीके से रिएक्शन से उनको हटा दो, तो एक न्यूट्रॉन बचेगा, वो वापस से एक यूरेनियम न्यूक्लियस को तोड़ेगा, फिर उससे वापस तीन न्यूट्रॉन बनेंगे, उनमें से वापस दो को हटा दो रिएक्शन से, फिर वापस एक वो न्यूट्रॉन बचेगा, वो वापस किसी यूरेनियम न्यूक्लियस को तोड़ेगा। तो जो चेन रिएक्शन है वो कंट्रोल मैनर में होती रहेगी,
एक कंट्रोल तरीके से चलती रहेगी, उस कंडीशन में जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको हम यूज भी कर सकते हैं। तो अर्थ के ऊपर जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के ऊपर। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, बस कंट्रोल मैनर में हम इस रिएक्शन को करवाते हैं, और जो न्यूक्लियर बॉम्ब या एटॉमिक बॉम्ब होता है उसके अंदर क्या होता है, ये अनकंट्रोल तरीके से होती है, मतलब इसमें कंट्रोल नहीं किया जाता तो एकदम से एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है। इसके बाद में नेक्स्ट है फिर न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब है लाइट न्यूक्लियस का कंबाइन होके एक हेवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट होना। अगर दो हल्के न्यूक्लियस कंबाइन हो रहे हैं और एक हेवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इस प्रोसेस का नाम क्या रखा जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या है, फ्यूज होना मतलब मिक्स होना, एड होना। जैसे यहाँ पे ये हाइड्रोजन के दो आइसोटोप हैं, एक तो ड्यूटेरियम और एक ट्राइटियम, तो ये जो आइसोटोप है हाइड्रोजन के इनको हम कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको वेरी हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। वेरी हाई टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर, अप्रोक्सीमेटली 10^7 केल्विन के आसपास, इतना हाई टेम्परेचर, ये सन का टेम्परेचर होता है, इतना हाई टेम्परेचर हमको चाहिए, तो उससे हम क्या करेंगे, इन न्यूक्लियसेस को आपस में कंबाइन कर पाएंगे, इनको जोड़ पाएंगे। हाई टेम्परेचर के ऊपर ये दोनों न्यूक्लियस कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन होने से क्या बन जाएगी, हीलियम बन जाएगी, हीलियम गैस बन जाती है, और साथ में एक न्यूट्रॉन भी निकलता है। अब ये जो हीलियम है ये इन हाइड्रोजन के आइसोटोप से ज्यादा स्टेबल है, और ज्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि जब ये हीलियम बन रही होती है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पे, और ये जो एनर्जी है इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी ना इसको हम यूज कर सकते हैं। तो इससे हमको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये समझ में आया कि अगर हम हल्के न्यूक्लियस को कंबाइन करके एक हेवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट करेंगे तो इससे हमको एनर्जी मिलेगी, और इस एनर्जी को हम डिफरेंट पर्पस के लिए, जैसे भी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम टर्बाइन को चलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर पाते हैं, उसी तरीके से इस हीट एनर्जी को भी आप यूज कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, तो ऐसे इस हीट एनर्जी को हम यूज करेंगे। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो हल्के न्यूक्लियस कंबाइन होंगे और एक हेवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट होंगे और इससे एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है न्यूक्लियर फ्यूजन में लाइट न्यूक्लियस कंबाइन होकर हेवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहे होंगे। ठीक, अब इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन इन दोनों में से बेटर रिएक्शन कौन सी है, बेटर तरीके से किसमें हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन की, अब इनमें डिफरेंस देखते हैं। पहले सबसे पहले तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसमें हम क्या करेंगे, एक हेवी न्यूक्लियस को तोड़ेंगे और हल्के न्यूक्लियस में कन्वर्ट करेंगे। एक हेवी न्यूक्लियस लाइट न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा होगा, टूट रहा होगा, तो इसमें फ्यूजन में क्या होता है, हेवी न्यूक्लियस टूट के लाइट न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा, दो लाइट न्यूक्लियस कंबाइन होके हेवी टेम्परेचर के ऊपर कंबाइन होके ये हेवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। मतलब दो लाइट न्यूक्लियस कंबाइन होंगे हेवी टेम्परेचर पे और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, हेवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन से अपोजिट रिएक्शन हो गई है, इसमें हेवी न्यूक्लियस टूट रहा है और यहाँ पे दो हल्के न्यूक्लियस कंबाइन होके एक हेवी न्यूक्लियस बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये वाली जो रिएक्शन है ये लो टेम्परेचर के ऊपर हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। तो ये वाली रिएक्शन के लिए हमको कंपेरेटिवली लो टेम्परेचर चाहिए होता है, और इसके लिए हमको क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए लो टेम्परेचर और इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। दूसरी बात कि यहाँ पे जो टुकड़े होते हैं हेवी न्यूक्लियस के वो रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव होने का मतलब है कि वो कुछ टाइम के लिए रेडिएशन करेंगे। तो यहाँ से जो टुकड़े आपको मिल रहे हैं हेवी न्यूक्लियस के वो रेडियो एक्टिव है, मतलब रेडिएशन एमिट करेंगे, यानी कि वो लिविंग बींग्स के लिए, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, हम लोग हो, सबके लिए खतरनाक होंगे वो। तो यहाँ पे जो एक तरह से न्यूक्लियर वेस्ट निकलेगा वो रेडिएशन एमिट करेगा, इसलिए वो एनवायरनमेंट के लिए और हमारे लिए क्या है, खतरनाक है। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर जब आप हाइड्रोजन को कंबाइन करके हीलियम बनाते हो तो हीलियम यहाँ पे रेडियो एक्टिव नहीं होता है। जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है जिसमें लाइट न्यूक्लियस कंबाइन होकर एक हेवी न्यूक्लियस बनाते हैं तो वो जो हेवी न्यूक्लियस है वो रेडियो एक्टिव नहीं होगा, और अगर रेडियो एक्टिव नहीं होगा तो क्या होगा, रेडिएशन एमिट नहीं करेगा, मतलब एनवायरनमेंट के लिए सेफ रहेगा। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या है, एनवायरनमेंट के लिए सेफ है, जबकि ये क्या है, एनवायरनमेंट के लिए डेंजरस है, डेंजरस फॉर एनवायरनमेंट, और ये क्या है, ये सेफ है, मतलब सेफ फॉर एनवायरनमेंट।
समझ में आया क्या? एनवायरमेंट के लिए सेफ है और ये क्या है, डेंजरस है, क्योंकि इससे जो रेडियो एक्टिव एक तरह से टुकड़े निकल रहे हैं इसके, वो क्या है एनवायरमेंट के लिए खतरनाक है, क्योंकि इससे रेडिएशंस निकलेंगे। एक डिफरेंस और होता है इसके अंदर, जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है तो इससे जो हीट एनर्जी मिलती है हमको, इससे जो भी हीट एनर्जी मिलेगी वो कम होती है, जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर जो हीट एनर्जी हमको मिलेगी वो कंपेरेटिवली ज्यादा होगी। मतलब एक यूरेनियम न्यूक्लियस को तोड़ने पे जो हीट एनर्जी मिल रही है, और दो हीलियम दो हाइड्रोजन एटम्स को कंबाइन करके हीलियम बनाने से जो हीट एनर्जी निकल रही है उनमें डिफरेंस होगा, ये एनर्जी ज्यादा होगी न्यूक्लियर फ्यूजन में, और न्यूक्लियर फ्यूजन में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है हीट एनर्जी वो हमेशा कम होती है। क्या याद रखेंगे, जो न्यूक्लियर फ्यूजन है इस रिएक्शन में जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हमेशा कम होती है, और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ज्यादा अच्छी रिएक्शन कौन सी होगी दोनों में से, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ज्यादा अच्छी है क्योंकि एनवायरमेंट के लिए भी सेफ हो गई है ना, और दूसरी चीज ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है जिससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, और लेकिन इसमें एक कमी है कि इसके लिए हमको हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ज्यादा बेटर तो यही है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, लेकिन हमको हाई टेम्परेचर इसके लिए चाहिए होता है, और ये हाई टेम्परेचर कितना होता है, लगभग सन के टेम्परेचर के आसपास होता है, 10^7 केल्विन के आसपास होता है। तो पहले तो अर्थ के ऊपर कौन से रिएक्टर थे, ये सारे रिएक्टर न्यूक्लियर फ्यूजन टाइप के थे जितने भी अर्थ के ऊपर हैं, लेकिन अभी हम नए रिएक्टर जो डेवलप करेंगे वो न्यूक्लियर फ्यूजन टाइप के होंगे, क्योंकि अभी हमने अर्थ के ऊपर इतना टेम्परेचर, जैसे चाइना के अंदर अभी लैब के अंदर इतना टेम्परेचर अचीव कर लिया गया है 10^7 केल्विन, तो इतना टेम्परेचर अगर हमने लैब के अंदर अचीव कर लिया, इतना टेम्परेचर हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो फिर हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को भी करवा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ठीक है, तो फ्यूचर में जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनेंगे वो न्यूक्लियर फ्यूजन टाइप के बनेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा हीट एनर्जी मिलेगी, एनवायरमेंट के लिए सेफ है। बस इसमें एक ही कमी थी कि इसके लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी, जो पहले हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन चाइना ने अभी रिसेंटली अपने रिसर्च में ये लैब के अंदर इतना हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करके दिखाया, तो अब हम ये रिएक्टर यूज कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं अब इसमें। तो ये इनमें मेजर डिफरेंस हो गए दोनों के अंदर। ठीक है, आया समझ में, देख लो इसमें कोई भी डाउट है तो।